भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, गुजरात के आदरणीय राज्यपाल देवव्रत जी आचार्य, माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, राज्य सरकार के सभी मंत्रीगण, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, डिफेंस सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी गुजरात, फॉरेन कंट्रीज से आए मिनिस्टर्स एवं डेलीगेट्स, एकेडमिशियंस, इंडस्ट्री पार्टनर्स, मीडिया के मित्रों, देवियों और सज्जनों, आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच मौजूद हैं। प्रधानमंत्री जी, हूं आपनु हार्दिक स्वागत करू छू। डेफ एक्सपो 2022 के उद्घाटन समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर आपका हम सबके बीच होना हम सबके लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर आपने यहां अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की है। आपकी ही जन्मभूमि पर आपका स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे विशेष खुशी हो रही है। इस आयोजन को इतने ग्रैंड स्केल पर आयोजित कराने में श्री भूपेंद्र पटेल चीफ मिनिस्टर गुजरात का योगदान अत्यंत प्रशंसनीय है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी डायनेमिक लीडरशिप में भारत का रक्षा क्षेत्र पूर्ण समर्पण के साथ राष्ट्र गौरव के पथ पर तेजी से अग्रसर है। भारत को एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के आपके विजन के अनुरूप इस एक्सपो की थीम पाथ टू प्राइड रखी गई है। पाथ टू प्राइड इस एक्सपो की केवल थीम भर नहीं है बल्कि एक नए भारत का एक नया उद्देश्य भी है। अमृतकाल के प्रारंभ में इस डेफ एक्सपो का आयोजन अगले 25 वर्षों में राष्ट्र की सुरक्षा और दुनिया के लिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के हमारे मजबूत संकल्प को भी यह दर्शाता है। डिफेंस एक्सपो एक आकांक्षी भारत और आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहे भारत का एक विशिष्ट प्रतीक है। डिफेंस एक्सपो एक प्रतीक है राष्ट्र गौरव का, राष्ट्र की शक्ति का और राष्ट्र के संकल्प का। मुझे इस अगस्त गैदरिंग को यह बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि इस एग्जीबिशन में 1300 से अधिक इंडियन एग्जीबिटर्स अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और प्रोडक्ट्स का प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इस आयोजन की 80 से अधिक कंट्रीज के डिफेंस मिनिस्टर्स, सर्विस चीफ्स और ऑफिशियल्स भी भाग ले रहे हैं। इस तरह की विशाल भागीदारी भारत के उभरते बिजनेस पोटेंशियल में डोमेस्टिक एवं ग्लोबल बिजनेस कम्युनिटी के एक नए कॉन्फिडेंस का भी यह प्रमाण है।